हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है गार्लिक ब्रेड। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह बिना मैदा और बिना ईस्ट और बिना ओवन के बनाया गया है, और इसे आप घर की बेसिक चीज़ों से ही बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे कैसे बनाएंगे। गेहूँ का आटा लिया है मैंने 2 कप। 4 बड़े चम्मच हम दही लेंगे। अब एक बर्तन में हम आटा को डाल देंगे, दही को डालेंगे, फिर इसमें 1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच हम पिज़्ज़ा हर्ब डालेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद के अनुसार, बेकिंग पाउडर लेंगे 1 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच और तेल लेंगे 2 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे इस तरह मसल मसल के आप मिक्स कर लीजिए। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका डो लगाने के लिए हम 1/2 कप गुनगुना दूध लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डालकर हम एक सॉफ्ट मीडियम डो लगा लेंगे। देखिए डो हमारा लग चुका है। अब डो पर हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से हम कोट कर लेंगे। फिर आटे को इस तरह गोला कर लीजिए आप। गोला करके हम बर्तन में रख देंगे और इसे ढककर 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए। गार्लिक बटर के लिए हमें 4 चम्मच बटर चाहिए। इसे हम पहले से ही थोड़ा सा फ्रिज में से निकाल के रख देंगे। बारीक कटा हुआ लहसुन लेंगे 2 चम्मच। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। 1 चम्मच ऑरिगेनो लेंगे और 1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स लेंगे। सबसे पहले आप बटर में हम लहसुन को डाल देंगे, ऑरिगेनो डालेंगे, चिली फ्लेक्स, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और धनिया को डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम डो को एक बार और मसल मसल के अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे ताकि अच्छे से हमारा सॉफ्ट डो लगे। अब यह हो चुका है। इसे अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इतने मिक्सचर में आप 2 गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हम रोल कर लेंगे इस तरह। अब बेलन की सहायता से बड़ा सा रोटी हम बेल लेंगे। हमें इस रोटी को इतना बेलना है कि यह 1/2 सेंटीमीटर थिक रहे। देखिए इतना ही मोटा होना चाहिए, बहुत मोटा और बहुत पतला भी नहीं रखना है। अब इसके ऊपर गार्लिक बटर लगा लेंगे इस तरह। पूरी रोटी पे लगा लीजिए। अब हम 1/2 रोटी पे ग्रेटेड मोजरेला चीज़ डालेंगे। और अगर आपके पास मोजरेला चीज़ नहीं है तो स्लाइस चीज़ भी डाल के इसे बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनेगा। ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रोटी को हमें 1/2 फोल्ड करके इसके किनारे को अच्छे से चिपका देना है ताकि इसमें से जब ये पके तो चीज़ बाहर ना आए। देखिए इस तरह से अच्छे से चिपका दीजिए। अब इसके ऊपर हम बटर फिर से लगा देंगे। अच्छे से कोट कर दीजिए इसे। फिर चाकू से हम इस पर थोड़ा सा ऐसे निशान लगाएंगे ताकि ये बाद में काटने में अच्छे से आसान हो। इसे हमें काटना नहीं है, बस निशान लगाना है। अब पैन गरम करेंगे और हम बटर को लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर रोटी को रख देंगे। अब इससे हमें लो फ्लेम पर ही ढक कर 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट का आप देखेंगे थोड़ा फूल भी गया है, और आप थोड़ा नीचे से इसे चेक कर लीजिए। अगर ये अच्छे से पक गया है तभी आप इसे पलटें, नहीं तो 1-1.5 मिनट और पका सकते हैं। और अब हम इसे पलट लेंगे और फिर से ढककर इस दूसरी साइड भी हम 2-3 मिनट तक पका लेंगे। 2-3 मिनट में के बाद आप देखेंगे कि ये दूसरी साइड भी अच्छे से पक गया है। फिर आप इसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से और कितने अच्छे से ये हमारा गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। और ये दूसरा भी मैंने बना लिया है। तो इतने डो में आप 2 गार्लिक ब्रेड अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। तो इसे आप आसानी से कभी भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।